भाई को कुछ नहीं हो सकता। वो निखिल है ना, उसका उसका कोई भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। तुम समझ नहीं रही हो, अगर अगर भाई को खरोच भी आई ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे मुझे भाई को बचाना पड़ेगा। वो निखिल पागल है, वो किसी की सुनेगा नहीं। वो अगर भाई को कुछ कुछ नहीं, मैं जाकर भाई को। आलिया आलिया मेरी बात सुनो, तुम क्यों चांस ले रही हो? तुम वहां पे जाओगे तो अभी तुमसे सवाल करेगा कि तुम यहाँ पे क्यों आई, यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, तुम्हें कैसे पता चला। वो बहुत सारे सवाल करेगा और बातों बातों में हम फंस जाएंगे। आलिया मैं एक काम करती हूँ, मैं निखिल को फोन करती हूँ। वो मेरी बात मानेगा, मेरी बात टालेगा नहीं। मैं उसे कहूंगी अभी को छोड़ दे और तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम समझ नहीं रही हो, मुझे जाना पड़ेगा। वो निखिल किसी की नहीं सुनेगा, तुम कुछ भी बोलो। और सोचो अगर उसने भाई को कुछ भी कर दिया ना तनु, आई एम टेलिंग यू, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। आलिया सुनो, तुम अगर चाहोगी तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ तो हो ही चुकी है ना तनु। रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने उसे प्रज्ञा को मारने के लिए भेजा था, और क्या किया उसने? उसकी स्टुपिडिटी की वजह से मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और भाई को खोते खोते मैं बची थी तनु। लेकिन आई एम श्योर वो इस बार भी कुछ ना कुछ गलत जरूर करेगा। हर बार वो कुछ ना कुछ उल्टा ही करता है। इसलिए इस बार मैं कोई चांस नहीं ले सकती तनु। मुझे भाई के पास जाना होगा। इनफैक्ट मैं उसके उसका वेट नहीं कर सकती कि वो भाई को छोड़े। मुझे ही वहां पर जाना होगा। आई हैव टू गो तनु। आलिया क्या कमाल की खबर मिली मिताली, मीडिया का तो पता नहीं लेकिन इस घर में ना इस खबर की बहुत ज्यादा वाली वैल्यू है। जाकर दादी को बताऊं क्या? माला माल कर देंगी तुझे। लेकिन नहीं भी बताया दादी को तो भी तू माला माल हो सकती है। इस खबर को यूज कर तनु और आलिया को ब्लैकमेल कर तो वो भी तो तुझे पैसा देगी। मतलब दोनों हाथों में लड्डू। करना कुछ प्लान सोच कि कैसे तू मालामाल हो सकती है। रुको, मैडम जी वो तुसी इत्थे कानू उतर गए? ओ जी ढाबा तां जी अगे हैगा। मैं यहां से चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओ जी एक मिनट,